गुरु सत्ता श्रद्धेय पंडित जी, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माता बहनों, सारे भाइयों बहनों, अभी गायत्री धाम में और आप लोगों ने भी यहाँ शक्तिपीठ में आकर के अपने घर पर जो अनुष्ठान किया, जो मौन किया और अनुष्ठान के समय आहार का संयम किया और जो साधना के समय अपनी इंद्रियों को साधा, उन इंद्रियों को साध करके आप सभी ने इस अनुष्ठान का आज समापन है नौमी के पावन पर्व पर। जो भी कुछ आप लोगों ने इन 9 दिनों में सीखा, सुना, समझा, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, वो नियमित बनेंगे। अभी हम क्या करते हैं, कुछ समय तक कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा करें लेकिन नियमित करें। नियमित करने से ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, परोक्ष जगत से देवात्मा हिमालय से निश्चित आशीर्वाद मिलेगा। जब कोई भी काम नियमित करते हैं तो उसकी सफलता जरूर मिलती है। तो आप सभी यहाँ से नियमितता को धारण करके इस यज्ञ की अग्नि से और देव शक्तियों से संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अपने जीवन को, अपने आहार को, अपनी साधना को नियमित बनाए रखेंगे और गायत्री धाम तपोवन में जिन साधक भाई बहनों ने मौन अनुष्ठान किया वो भी संकल्प लेंगे कि सप्ताह में एक दिन या प्रतिदिन 1 घंटा, आधा घंटा मौन लेकर के अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। व्यक्ति जितना मौन देता है उतनी दिव्य शक्तियां शरीर के अंदर आती है। आवश्यकता को भर बोले और अधिक से अधिक मौन रहे। मौन रहने में बहुत बड़ी शक्ति परोक्ष जगत से व्यक्ति को मिलती है। यह हमारे जो 9 दिवसीय गायत्री धाम में तपस्वी साधक भाई बहन आए उन्होंने अनुभव किया कि मौन में कितनी बड़ी शक्ति होती है, मौन में कितना बड़ा शरीर होता है। तो इन्होंने 9 दिन तक मौन रह करके मोबाइल भी नहीं चलाया और माँ के अनुशासनों का पालन किया। तो भाइयों बहनों, आप भी अपने जीवन में थोड़ा करें, कुछ करें लेकिन नियमित करें। यही नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं। गुरुदेव माता जी की शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद, उनका वरदान आप सभी के साथ में सदैव बना रहेगा। यही हम सभी जीवनदायी कार्यकर्ताओं भाई बहनों की ओर से मंगल कामनाएं। ओम शांति।